नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई, अपनी प्रिपरेशन, अपनी सपनों को साथ जो है अच्छे से जी रहे होंगे और आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं आज के देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है आज का। तो आज 19 तारीख हो चुका है, 19 जून, 2 दिन बाद यानी 1 दिन बाद, सॉरी, 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप सभी को मैं निमंत्रित करता हूं कि आप सभी जो है फेसबुक लाइव, यूट्यूब से भी जुड़ करके अपना कमेंट पे अपना वीडियो, अपना ऑडियो भी जो है भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे भी। और जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो है एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। तो मैं बता दूं कि दिल्ली दंगों में 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जो जमानत देने के बाद जो है उच्चतम न्यायालय ने साफ तौर पर कहा है कि इनके जो जमानत पर रोक लगाने से जो है को जो है इनकार कर दिया है और जो है उसके लिए एक जवाब भी मांगे हैं 3 छात्र कार्यकर्ताओं से, जिसमें से नताशा नरवाल, देवांगना कालिता व आसिफ इकबाल को जो है नोटिस भेज कर उनसे जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जो है कल एक बात घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को जो है कोरोना वर्कर्स के रूप में प्रशिक्षण किया जाएगा, उसमें काफ़ी अच्छी 256 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी ताकि उनको द्वारा तीसरी लहर के लिए तैयार किया जा सके। ट्विटर प्रतिनिधि संसद की सीमित समिति के समक्ष पेश हुए। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट नए हो तो एक बार जरूर लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ऑलकाश नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे पहुंच सके। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का इतिहास जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स स्पेशल टॉपिक पर जो है एवरीडे डिस्कशन की जाती है। तो आज भी खास टॉपिक पर मैं आपको लेकर आया हूँ उसका थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है, जिससे हम सभी आज अपने आप को एक मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर होते हैं, प्रेरित होते हैं। और विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी आपको देखने मिलेंगे, जो पिछले 7 महीने से अधिक समय से 1000 से अधिक प्रश्नों का जो है संग्रह आपको दिया जा चुका है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का इतिहास जुड़ा सवाल। तो आज ही के दिन वर्ष 1990 में मॉस्को में रूस सोवियत संघ के समाजवादी गणराज्य की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन वर्ष 1970 में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिल्ली में हुआ था। वो वर्तमान में जो है अंतरिम कांग्रेस की तो अध्यक्ष नहीं है, पहले एक बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी जी हैं, उनकी माता जी। आज ही के दिन वर्ष 1910 में वाशिंगटन में पहला फादर्स डे मनाया गया। तो आज फादर्स डे है, सभी फादर्स को मेरी तरफ से, जो भी युवा हैं, जो भी पिता नए हैं और जो अपने परिवार को लेकर चलते हैं, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, अपना जीवन अच्छा से बिताएं अपने बच्चों को। आज ही के दिन वर्ष 1843 में दास कैपिटल के लेखक और समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने विवाह किया। आज ही के दिन वर्ष 1269 में फ्रांस के राजा लुई ने सभी यहूदियों को एक खास बेज पहनने का हुक्म दिया। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो इसी के साथ चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्वेश्चन ऑफ द डे में एक मैं उतारने वाला हूँ कि दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से जुड़ा हुआ एक न्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बता दूं कि दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना में खदान से एक बड़े आकार का हीरा मिला है, जिसका वजन 1098 कैरेट से अधिक है, मतलब 1000 कैरेट से अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह खदान से निकाला गया इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा हीरा हो सकता है। उच्च गुणवत्ता वाला 1098.3 कैरेट का हीरा इसी महीने की शुरुआत में ज्वानिंग खदान से निकाला गया। इस खदान पर बोत्सवाना सरकार, देवसवाना और डी बियर्स समूह का मालिकाना हक है। और बता दूं कि डी बियर्स देवसवाना के कार्यकारी प्रबंधक जो है निदेशक लिनेटे आर्मस्ट्रांग ने कहा है कि यह कंपनी के 50 साल के इतिहास में यहाँ के खदानों में पाया गया अब तक का सबसे बड़ा और बेशकीमती हीरा है। इस प्रकार का हीरा ठीक ठाक अवस्था में निकाल पाना एक उपलब्धि के समान है। और उन्होंने आशा जगाई है कि उम्मीद है कि उनको कि यहाँ से हम जल्द से जल्द ही जो है और भी बड़े हीरे निकाल सकेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज जो है देखने को मिला है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज था ये क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो अभी तक से जो है तीसरा ये सबसे बड़ा दुनिया का उच्च गुणवत्ता वाला हीरा मिला है, जो कि अफ्रीका के बोत्सवाना यानी जिसकी राजधानी गाबोरोने है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आज का थॉट्स ऑफ द डे की ओर। आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है?
एवरीथिंग्स काउंट्स, टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंस। बिल्कुल सही बात है, सभी का समय होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पूरे जीवन में 16 चक्र होती है, तो सभी का एक जीवन होता है, बच्चा जन्म लेता है, बड़े होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोग तुरंत तैयारी करते हैं और लोगों को तुरंत घबराहट हो जाती है कि अरे यार तो मैं एक साल में या फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल लूँगा। लेकिन ये दुनिया में जो है जनरल कंपटीशन में काफ़ी क्राउड है, बढ़ चुका है क्राउड, तो इतनी आसान नहीं है। अब आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी होगी, आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पेशेंस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, एक एक्यूरेसी स्पीड के साथ आपको तैयारी करनी होगी, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। और न संभव है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, बी पेशेंस। चलिए शिखर, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए नए हो तो चलिए फिर फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि आज का नोट्स तैयार किया जा सके, क्योंकि काफ़ी नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर उधर आपको भटकने से अच्छा है कि आप नोट्स तैयार रखो या स्क्रीनशॉट ले लो तो अच्छी बात है, आप पढ़ाई में रिवीजन करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए आज का पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल, पीएम मोदी ने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, देश में 1 लाख विशेष प्रशिक्षित कोरोना वर्कर्स को जो है तैयार किया जाएगा, जिसमें 256 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। देश भर में 111 जो है प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो युवा यूथ इसमें काम भागीदार कर लेना चाहते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, उनको रहने खाने पीने की सबको व्यवस्था दी जाएगी, उनको थर्ड वेव यदि आता है तो उनको तैनात किया जाएगा, वो कोरोना वर्कर्स के रूप में काम करेंगे। काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव मोदी जी के द्वारा लाया गया है ताकि देश को बचाया जा सके कोरोना के थर्ड लहर से, और खास करके मरने वालों संख्याओं से, और खास करके जो जो चिंता व्यक्त की गई है कि बच्चों को लपेटे मिलेगा उसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के महान फर्राटा धावक और परमश्री मिल्खा सिंह का निधन जो है 91 वर्ष में हो गया, तो ये बुधवार को निधन हुआ है। और मैं बता दूँ कि रविवार को इनकी वाइफ निर्मल जिनका नाम था वो भी उनका निधन हो गया है। 1959 में जो इनका पद्मश्री से पुरस्कार मिला वो 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी ले आ चुके हैं। आखिरकार उन्होंने एक माह के लंबे समय के बाद इलाजात के बाद जो उन्होंने दम तोड़ दिया। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना की खदान से एक बड़े आकार का उच्च गुणवत्ता वाला 1098 कैरेट का हीरा मिला, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है क्वेश्चन ऑफ द डे में, तो आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष में फैले लाखों टन कचरे को कम करने के उद्देश्य से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी साल के अंत तक लकड़ी से बना सेटेलाइट अंतरिक्ष में भेजेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। मैं बता दूँ कि अभी तक ये दूसरा संस्था हो चुका है, इससे पहले जापान भी जो है भेज चुका है लकड़ी से बना सेटेलाइट, मतलब भैया नहीं है, बात की थी तैयार करने की। यूएसए के अनुसार यह सेटेलाइट आकार में बेहद छोटा होगा, इसे न्यूजीलैंड से प्रक्षेपित करने की योजना है। सेटेलाइट को वीजा वुडसेट नाम दिया गया है, इसे आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स ने डिजाइन किया है, जो क्यूब के आकार का हर तरफ से केवल 4 इंच चौड़ा होगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इसको जरूर याद रखिए। इसका नाम क्या है? वीजा वुडसेट, है ना, वीजा वुडसेट, ठीक है। ऐसे किसने भी कौन भेज रहा है? न्यूजीलैंड, है ना, आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स के डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पंजाब एकता पार्टी का कांग्रेस में मिलने की घोषणा की गई है, तो 2 दिन पहले ही राहुल गांधी से मिलकर के जो इसके अध्यक्ष हैं सुखपाल सिंह खेरा और 2 अन्य विधायक ने जो है मिलकर के मुलाकात करके जो है पंजाब एकता पार्टी को जो है कांग्रेस में मिले करने की घोषणा की। खेरा, जगदेव सिंह और प्रमल सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, बाद में पार्टी नेतृत्व से टकराव के कारण जो इन्हें बाहर कर दिया गया, इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण प्रतिरोध सभा ने राजस्थान के पर्यावरण संगठन फैमिलियल फॉरेस्ट्री को प्रतिष्ठित लाइफ फॉर अवार्ड से नवाजा है, तो ये देख सकते हैं ये व्यक्ति जिनका नाम मैं बता दूं, ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है जिन्होंने जो है काफ़ी प्रयास किया, इनका नाम मैं बता दूं कि श्याम सुंदर जियानी जी है जिन्होंने जो है ये नेक काम किया, जिनको दिया गया है राजस्थान का ये पर्यावरण संगठन चलाते हैं।
फैमिलियर फॉरेस्ट्री का नेतृत्व जलवायु कार्यकर्ता करते हैं। यूएनसीसीडी ने कहा है कि 8 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने भारत में राजस्थान के फैमिलियर फॉरेस्ट्री को इस वर्ष कल्याण ऑफ लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है। इस कार्य भूमि बहाली और संरक्षण पद्धति है इसका कार्य। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार मैं बता दूं कि आंगनबाड़ी तथा विद्यालयों के मध्याह्न भोजन योजना पर जो है GST से छूट दी गई है। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव सरकार लाई है, मतलब सोच रखी है, क्योंकि इसके लिए एक सवाल किया गया था जिसमें यह जो है केंद्र CBIC ने जो है जवाब दिया है। 28 मई को हुई 43वीं बैठक में किए गए फैसले में स्पष्टीकरण जारी करते हुए CBIC ने कहा है कि उससे GST लागू होने के बारे में जानकारी मांगी गई। उससे पूछा गया कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत अगर स्कूलों में सरकारी अनुदान या कंपनी दान के जरिए वित्त पोषित खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है तो क्या GST के दायरे में आएगा। तो इसके तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली मध्याह्न भोजन सहित कोई भी खान पान सेवा पूरी तरह से शुल्क मुक्त होगा, ये बातें की गई है। चलते नेक्स्ट, RBI ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण का रास्ता साफ कर दिया है। इसमें बहुत सारी कंपनियों ने जो है अधिग्रहण करने का फैसला किया था, उसमें से एक बता दूं सेंट्रम है, सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है ये दिया गया है, उसने जो है इसको अधिग्रहण कर लिया है PMC बैंक को, जो कि हाल ही में जो है इस सुर्खियों में था और ये जो है NPA इसको घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण जो है RBI ने इस पर रोक लगा दी थी लेन देन पर और लोगों को जो सुरक्षित और आश्वासन भी दिया था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अपने पॉडकास्ट फीचर को लॉन्च करने जा रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर जो है पॉडकास्टों को आसानी से नए एपिसोड प्रकाशित करने के लिए अनुमति देने के लिए जो है ये फेसबुक लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी 22 जून को जो है इसे लॉन्च कर सकती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एप्पल ने भी जो अपने नए पॉडकास्ट फीचर लॉन्च किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक भी जो इस नई सुविधा को जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से श्रोताओं को अपने पसंदीदा शो के क्लिप बनाने की मदद मिलेगी। रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार उपयोगकर्ता अपने शो में RSS फीड के से फेसबुक के लिंक कर सकते हैं, जो आगे बढ़ते हुए प्रकाशित सभी एपिसोड के स्वचालित रूप से न्यूज फीड पोस्ट उत्पन्न करेगा। चलिए आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने पुणे में सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट शुरू करने की घोषणा की है, जिससे कहा गया है कि इसे सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने में मदद मिलेगी, यानी ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी। 6.2 मेगावाट पावर कॉरपोरेट से सालाना लगभग 86.4 लाख kWh बिजली भी पैदा की जा सकेगी। तो पूरी तरह से इको फ्रेंडली इसको पुणे में शुरू किया जा रहा है, धीरे धीरे और भी देश अन्य देश के हिस्सों में किया जाएगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है टाटा पावर के द्वारा लाया गया है। टाटा पावर की अध्यक्ष की बात की जाए तो शैलेंद्र चंद्रा जो जी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर। ओंकोलॉजी कैंसर से बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है, यानी अध्ययन है। CNG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सुई की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनता है। एथेनॉल में कार्बोनिक ग्रुप नहीं होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें हाइड्रोबोलिक जो है ग्रुप होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें एल्किन कहा जाता है। तो ये था विज्ञान से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। रोज की तरह आज भी आप लोगों ने देखा, जाना, सुना और आई होप आपको काफी समझ में आया होगा। चलिए इसी साथ आज का कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर आपके साथ कर दूं। रोज की तरह आज भी तो कल एक कंपनी ने जो है पुणे की कंपनी है ने जो है एक अल्कोहल रहित एक सैनिटाइजर बनाने जा रही है, उसके लिए जुड़ी हुई एक न्यूज आई थी। तो ट्रायल में जो है उसको काफ़ी अच्छा प्रयोग दिखा और उसकी क्षमता भी उसकी दिखी। तो इसी को देखते हुए जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको लेकर आ रहा हूँ कि ग्लूथियोन कैप्ड AG2SNC यानी सिल्वर नॉन क्लस्टर्स कोरोना के खिलाफ काम करता है। यह वायरल निगेटिव स्ट्रैंड RNA और वायरल बंडिंग को मिलने से रोकने में कारगर है। कोलाइडल सिल्वर पर ही वी इनोवेट बायो सॉल्यूशंस की प्रौद्योगिकी आधारित है। ये एक पुणे की कंपनी है जो RNA को अपनी संख्या बढ़ाने से रोकता है, जिससे संक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। वी इनोवेट बायो सॉल्यूशंस को राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता बोर्ड यानी NSCT
टीईबीडी के कवच 2020 के तहत फंड दिया गया। यह संस्था विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। इसे पुणे के द्वितीय विकास केंद्र में विकसित किया गया है। सरकार और निजी सहभागिता में कोलाइडल सिल्वर सोल्यूशन आधारित हैंड सैनिटाइजर विकसित किया गया है। कोलाइडल सिल्वर सोल्यूशन एक ऐसा घटक होता है जो बैक्टीरिया को मारने और घाव की मरहम पट्टी करने में काम आता है। इसमें सोच चांदी का भी प्रयोग होता है। इस सैनिटाइजर का तकनीक सिल्वर नैनो पार्टिकल्स पर आधारित है ताकि वायरल नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए और वायरल बडिंग को मिलने से रोकता है। तो कहा जाए तो कुल मिलाकर भारत में जो है ये पहला अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर बनने जा रहा है। जैसे इसकी मंजूरी मिलेगी तो ये काम करने शुरू कर देगा और मार्केट में उपलब्ध होगा। कीटाणुओं को मारने में जो है सक्षम है ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, तो अब सैनिटाइजर को बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाथ में रेशेस या सूखापन नहीं आएगा। तो चलिए ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, सब खैर। यहाँ तो याद है आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल कॉन्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे आगे मिल सके आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। और बता दूँ कि यदि आप रोज यूजीसी नेट के कैंडिडेट हो कॉमर्स के तो आप मेरे क्लास से जुड़ सकते हो। एवरीडे 8 PM आपको क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, आप सभी जुड़ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।